Hello, welcome back my dear student. This is Sri Harisa, and today we are going to start the first chapter of class Sever. The name of the chapter that is Three Questions and uh, Three Questions is the story about a king. Dear student, in this story, there is a king and uh, who has three questions in front of him. And uh, he is seeking answers to his story. What are the questions? And does the king get what he wants, my dear student? ये थ्री क्वेश्चन क्या है एक स्टोरी है राजा के बारे में जिसके सामने तीन सवाल होते हैं और वो उनके सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करता है तो क्या उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलते हैं और ऐसे कौन से सवाल जो राजा के सामने थे जिनके बारे में वो क्या है आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो आओ हम चलते हैं स्टोरी में और जानते हैं राजा के तीन सवालों के बारे में सो लेट गेट स्टार्ट द थॉट केम टू द सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया एक विचार आया और वो विचार ऐसा था कि अगर उसे इन तीन चीजों के बारे में पता चल गया तो वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा पराजित नहीं होगा और वो तीन चीज़ें थी वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग कि भाई कौन सा भी काम शुरू करना है तो सही समय कौन सा होता है विच पीपल शुड ही लिसन टू उसने किन लोगों का सलाह सुनना चाहिए किन लोगों की बातें सुननी चाहिए वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू और ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो राजा ने करनी ही चाहिए ये जो तीन सवाल है राजा के सामने उसके आंसर्स खोजने के लिए वो क्या करता है अपने किंगडम में चारों ओर जो अपने मैसेंजर्स हैं मतलब जो दूत होते हैं उनको भेजता है द किंग देर फोर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हुर दिस क्वेश्चन और अपने दूतों के माध्यम से वो अपने पूरे साम्राज्य में मैसेज भेज देता है कि अगर जो भी व्यक्ति राजा को उस उनके तीन सवालों के जवाब देगा तो राजा उन्हें ढेर सारी संपत्ति ढेर सारा पैसा इनाम के रूप में देंगे मेनी वाइज केम टू द किंग बट दे ऑल एंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली अनेक विद्वान लोग जो है राजा के पास आए और हर एक व्यक्ति ने उनको आंसर देने की कोशिश की लेकिन डियर स्टूडेंट हर एक व्यक्ति का आंसर्स क्या था एक दूसरे से अलग था तो राजा क्या हो रहे यहाँ पे, अब किसकी बातें सुने इस व्यथा में फंसने लगे इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम से एट दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड इन फॉलो इट स्टिकली कि भाई पहला जो सवाल था कि भाई कोई कौन सा काम किस समय पे शुरू करना चाहिए तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा ने एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए अगर राजा टाइम टेबल का स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं उसको फॉलो कर पाते हैं तभी राजा अपने हर एक काम को उचित समय पे शुरू कर सकते हैं और उसमें सक्सेस भी हो सकते हैं ऐसा उन लोगों का कहना था ओनली दिस पे दे सेड कुड ही डू एवरी थिंग एट द प्रॉपर टाइम अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग कि भाई कुछ लोगों ने कहा है कि कौन सा भी काम सही समय पे कब शुरू करना है इसको सब पहले से ही डिसाइड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो इसीलिए किंग ने क्या करना चाहिए किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स कि भाई राजा जो है उन्होंने क्या करना चाहिए कि जो भी हो रहा है हाँ उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए जो फुलिश प्लेजर्स हैं है ना उसके ऊपर का जो ध्यान है उसे कम करना चाहिए एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम और हमेशा सिर्फ वही काम करना चाहिए जो उस वक्त राजा को करना जरूरी होता है तो उनको ऐसा सलाह मिल जाता है फिर ये अदर सेट दैट द किंग नीडेड काउंसिल ऑफ वाइज मैन अभी भी कुछ लोगों का ये कहना था कि राजा के पास एक काउंसिल होना चाहिए कैसे लोगों का वाइज लो, वाइज लोगों का वाइज मीन्स विद वन तो राजा के पास अगर वाइज लोगों का काउंसिल है तो वो वाइज पीपल क्या करेंगे उनको एक प्रॉपर सजेशन देंगे और उसके माध्यम से राजा अपना जो डिसीजन लेते हैं वो फेल नहीं होगा दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन अगर राजा वाइज लोगों की हेल्प नहीं लेता है हर एक काम अकेला ही करना पसंद करता है प्रिफेयर करता है तो उनके लिए ये उचित समय पे उचित काम शुरू करना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे में अगर वो काउंसिल का सलाह लेते हैं तो उनको इसमें क्या होता है एक वे मिल जाता है कि कौन सा काम कब शुरू करना है है ना बट देन अदर सेड दैट देर वेर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा होने के बावजूद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अर्जेंट करना पड़ता है दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल और वो अर्जेंट काम अगर हमें इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया काउंसिल के डिसीजन के आने तक अगर वेट करते हैं तो बहुत लेट हो जाता है और वो काम शुरू होने से पहले ही उसका फेलियर निकल आता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर लुक दैट अब देखो लोग भी कैसे कैसे सलाह दे रहे हैं है ना काउंसिल यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काउंसिल काम में डिले लाएगा तो राजा को फ्यूचर देखने वाला कोई व्यक्ति की मदद होनी चाहिए अब फ्यूचर देखना तो कोई आम आदमी नहीं देख सकता तो उसके लिए कोई मैजिशियन की ज़रूरत है तो राजा ने मस्ट क्या करना चाहिए मैजिशियन को मिलना चाहिए द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस तो राजा ने मैजिशियंस के तरफ जाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए देखो भाई अब राजा को ऐसे ऐसे क्या मिले हैं सजेशन मिले हैं तो माय डियर स्टूडेंट अभी तक हमने देखा है कि राजा को उनके पहले सवाल के जवाब के रूप में अलग अलग लोगों ने कैसे अलग अलग आंसर्स दिए जिसके वजह से राजा के सामने बहुत सारे विकल्प आ गए हैं कुछ लोगों ने कहा काउंसिल लाओ कुछ लोगों ने कहा राजा के पास मैजिशियन होना चाहिए ताकि वो फ्यूचर देख के सही समय पर सही काम शुरू कर सके अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर के रूप में कौन कौन से प्रतिक्रियाएं आती हैं इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स कुछ लोगों ने कहा कि राजा के दरबार में काउंसिलर्स होना चाहिए काउंसिलर्स मीन्स मेंबर्स ऑफ द काउंसिल अब ये काउंसिलर्स क्या करेंगे राजा को क्या उचित सलाह देंगे और राजा अगर उनकी बातें सुनेगा तो उसका जो साम्राज्य है दरबार है और उनके जो डे टू डे बिगेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब प्रॉपरली चलेगा कुछ लोगों ने कहा राजा ने अपने दरबार में पृष्ठ को रखना चाहिए उनकी बात सुननी चाहिए तो क्या हो जाएगा उनका कल्याण हो जाएगा या फिर उनके जो साम्राज्य है उसकी डेवलपमेंट होगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर्स की बातें सुननी चाहिए तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सोल्जर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप तीसरे सवाल के रूप में कि भाई राजा ने कौन सा काम करना चाहिए तो कुछ लोगों ने कहा साइंस को इम्पोर्टेंस दो कुछ लोगों ने कहा तो साम्राज्य विस्तार के लिए फाइटिंग या फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप रिलीजियस वर्शिप को इम्पोर्टेंस दो है ना इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा तो आप जीवन में कभी फेल नहीं हो जाएंगे तो अब देखो राजा की क्या प्रतिक्रिया आती है एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वे सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड राजा अब इन लोगों के आंसर्स की वजह से सेटिस्फाई ना होने की वजह से उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया अब इन स्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन टर्न हरमिट तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों की सलाह लेने से अच्छा है तो मैं किसी एक हरमित की सलाह लूँ सो हरमित हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम विजडम का मतलब होता है वो उसके जो दयालुपना है उसके लिए वो फेमस रहता था हरमित ये क्या है एक पर्सन है वो लिव्स अ लोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ जो होता है ना हरमित वो अकेला रहता है जंगलों में और अलोन रह के अपनी जो जीवन को एक सिंपल तरीके से जीता है तो राजा ने ऐसे हरिमित की सलाह लेना अब उचित समझा देन द हरमिथ लियोडिन वुड विच ही नेवर लेफ्ट जो हरमित है वो जंगल में रहता है और वो जंगल से कभी बाहर नहीं आता ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स तो उसने आ, कभी भी ऐसे सामान्य व्यक्ति को नहीं देखा था इसलिए राजा क्या करता है अपने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहनता है एंड बिफोर ही रीच द हरमिथ हरमित्स हार्ट द किंग लेफ्ट इज हॉर्स विथ हीज़ बॉडी गार्ड एंड वेन टू द हरमित अलोन राजा क्या करता है जंगल में जाता है और उसके हट के पास पहुँच कर अपना जो हॉर्स है वो अपने बॉडी गार्ड को पास सौंप देता है और क्या करता है अकेले ही हरमित को मिलने चला जाता है एज ए किंग एज द किंग केम नियर द हरमिज हट ही सॉ दर्मिज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हॉट तो राजा ने देखा जो हरमित है वो क्या कर रहा है उसके हट के सामने ग्राउंड को डिगिंग कर रहा है मतलब खोद रहा है ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग हरमित ने राजा की तरफ देखा और अपना जो डिगिंग का काम है उसको कंटिन्यू रखा और ग्रीटेड मीस वट ग्रीटिंग्स देना मतलब क्या है उनकी तरफ देख के नमस्ते करना हरमित वॉज ओल्ड एंड वीक हरमित कैसा था बूढ़ा हो गया था और वो वीक भी हो गया था एंड ही वर्क ही ब्रीद हैविली काम करने की वजह से वो कैसे उसकी सांस फूल रही थी द किंग वेंट अप टू दरमित एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हरमित टू आस्क यू आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चन राजा कहता है अब यहाँ पे वो एज किंग नहीं एक ऑर्डिनरी पर्सन उनको मिलने जाता है कहता है कि मैं आपको मिलने आया हूँ आप वाइज पर्सन हो है ना विद्वान हो और मुझे आपसे मेरे तीन सवालों के जवाब चाहिए और वो है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम कि भाई मैंने उचित समय पे हाँ उचित काम कैसे शुरू करना चाहिए एंड हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैंने हमेशा सुनना चाहिए उनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है और तीसरा सवाल है कि वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मुझे कौन सा काम आ, प्रायोरिटी में करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब हरमित क्या कर रहा है सिर्फ सुन रहा है द हरमित लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक लेकिन कुछ भी नहीं बोला ही वेंट डिगिंग उन्होंने क्या किया है हरमित वेंट ऑन डिगिंग वो उन्होंने उनका डिगिंग का काम कंटिन्यू रखा अब राजा कहता है यू आर टायर्ड है ना राजा कहते हैं आप थक गए हो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस कि भाई आप ये बैठ जाओ और मैं आपका काम करता हूँ तो थैंक्स से हरमित गिविंग द किंग्स इज द स्पेड तो हरमित क्या करता है अब वो थका होता है इसीलिए वो उस आदमी राजा को उनका स्पेड जो है मतलब वो डिगिंग का इक्विपमेंट राजा को दे देते हैं और उनको थैंक्स करके साइड में बैठ जाता है आप देख सकते हैं यह ये पिक्चर यहाँ पर किंग जो है और उस हरमित को मिलने आता है एक सिंपल क्लोथ्स के गेटअप में और हरमित उनको उनका जो स्पेड़ है वो दे देते हैं डिगिंग के लिए अब अब देखते हैं आगे द किंग डग टू बेड्स राजा खोद रहा है खड्डे खोद रहा है दो खड्डे उन्होंने बना दिए हैं ही एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन अब वो दो गड्ढे बनाने के बाद राजा रुक जाता है और उनको सेम उनके क्वेश्चन फिर से पूछता है हरमित गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हेड फॉर द स्पेड एंड सेड नाव यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क अब हरमिद उनकी तरफ देख के सिर्फ क्या करता है आंसर ही नहीं देता है सिर्फ स्ट्रेचिंग करता है अपने हेड को और क्या कहता है कि आप मुझे मेरा स्पेड दे दो अब आप आराम करो और मैं काम करता हूँ बट द किंग डि नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डी लेकिन राजा ने उनको क्या है स्पेड दिया ही नहीं और वो काम करते रहे वन आवर पास देन अनदर एक घंटा हो गया और एक घंटा हो गया द सन वेन डाउन बिहाइंड द ट्रीज अब जो सूरज है पेड़ों के पीछे छिपने लगा है मतलब क्या है दिन ढलने लगा है एंड एट द लास्ट द किंग्स टक देड़ इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम कि मैं आपके पास आया हूँ मेरे तीन सवालों के जवाब जानने के लिए अगर आप सवालों के जवाब देना नहीं चाहते हैं तो आप मुझे बता दो मैं मेरे घर पे चला जाता हूँ हेयर कम समथिंग रनिंग सेड धर्मित तो हरमित कहता है कि कोई तो भी हमारी तरफ दौड़ा आ रहा है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो जाता है